नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी माँ, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आज बंदी छूटकर घर आ रहा है। करुणा ने एक दिन पहले ही घर लीप पोत रखा था। इन 3 वर्षों में उसने कठिन तपस्या करके जो 10-5 रुपये जमा कर रखे थे, वह सब पति के सत्कार और स्वागत की तैयारियों में खर्च कर दिए। पति के लिए धोतियों का नया जोड़ा लाई थी, नए कुर्ते बनवाए थे, बच्चे के लिए नए कोट और टोपी की आयोजना की थी। बार बार बच्चे को गले लगाती और प्रसन्न होती। अगर इस बच्चे ने सूर्य की भांति उदय होकर उसके अंधेरे जीवन को प्रदीप्त न कर दिया होता, तो कदाचित ठोकरों ने उसके जीवन का अंत कर दिया होता। पति के कारावास दंड के 3 ही महीने बाद इस बालक का जन्म हुआ। उसी का मुंह देख देख कर करुणा ने यह 3 साल काट दिए थे। वह सोचती, जब मैं बालक को उनके सामने ले जाऊंगी, तो वह कितने प्रसन्न होंगे। उसे देखकर पहले तो चकित हो जाएंगे, फिर गोद में उठा लेंगे और कहेंगे, करुणा, तुमने यह रत्न देकर मुझे निहाल कर दिया। कैद के सारे कष्ट बालक की तोतली बातों में भूल जाएंगे। उनकी एक सरल पवित्र मोहक दृष्टि हृदय की सारी व्यवस्थाओं को धो डालेगी। इस कल्पना का आनंद लेकर वह फूली ना समाती थी। वह सोच रही थी, आदित्य के साथ बहुत से आदमी होंगे। जिस समय वह द्वार पर पहुंचेंगे, जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज उठेगा। वह कितना स्वर्गीय दृश्य होगा। उन आदमियों के बैठने के लिए करुणा ने एक फटा सा टाट बिछा दिया था, कुछ पान बना दिए थे और बार बार आशामय नेत्रों से द्वार की ओर ताकती थी। पति की वह सुदृढ़ उदार तेजपूर्ण मुद्रा बार बार आंखों में फिर जाती थी। उनकी वे बातें बार बार याद आती थीं जो चलते समय उनके मुख से निकली थीं। उनका वह धैर्य, वह आत्मबल जो पुलिस के प्रहारों के सामने भी अटल रहा था, वह मुस्कुराहट जो उस समय भी उनके अधरों पर खेल रही थी, वह आत्मभिमान जो उस समय भी उनके मुख से टपक रहा था, क्या करुणा के हृदय से कभी विस्मृत हो सकता था? उसका स्मरण आते ही करुणा के निस्तेज मुख पर आत्मगौरव की लालिमा छा गई। यही वह अवलंब था जिसने इन 3 वर्षों की घोर यातनाओं में भी उसके हृदय को आश्वासन दिया था। कितनी ही रातें फांकों से गुजरी, बहुधा घर में दीपक जलने की नौबत भी ना आती थी, पर दीनता के आंसू कभी उसकी आंखों से ना गिरे। आज उन सारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। पति के प्रगाढ़ आलिंगन में वह सब कुछ हंसकर झेल लेगी। वह अनंत निधि पाकर फिर उसे कोई अभिलाषा न रहेगी। गगन पथ का चिरगामी लपका हुआ विश्राम की ओर चला जाता था, जहां संध्या ने सुनहरा फर्श सजाया था और उज्जवल पुष्पों की सेज बिछा रखी थी। उसी समय करुणा को एक आदमी लाठी टेकता आता दिखाई दिया, मानो किसी जीर्ण मनुष्य की वेदना ध्वनि हो। पग पग पर रुककर खांसने लगता था। उसका सिर झुका हुआ था। करुणा उसका चेहरा ना देख सकती थी, लेकिन चाल ढाल से कोई बूढ़ा आदमी मालूम होता था। पर एक क्षण में जब वह समीप आ गया, तो करुणा पहचान गई, वह उसका प्यारा पति ही था। किंतु शोक, उसकी सूरत कितनी बदल गई थी। वह जवानी, वह तेज, वह चपलता, वह सुगठन सब प्रस्थान कर चुका था। केवल हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। ना कोई संगी, ना साथी, ना यार, ना दोस्त। करुणा उसे पहचानते ही बाहर निकल आई, पर आलिंगन की कामना हृदय में दबा कर रह गई। सारे मंसूबे धूल में मिल गए। सारा मनोल्लास आंसुओं के प्रवाह में बह गया, विलीन हो गया। आदित्य ने घर में कदम रखते ही मुस्कुराकर करुणा को देखा, पर उस मुस्कान में वेदना का एक संसार भरा हुआ था। करुणा ऐसी
स्थिर हो गई, मानो हृदय का स्पंदन रुक गया हो। वह फटी हुई आंखों से स्वामी की ओर टकटकी बांधे खड़ी थी, मानो उसे अपनी आंखों पर अब भी विश्वास ना आता हो। स्वागत या दुख का एक शब्द भी उसके मुंह से ना निकला। बालक भी गोद में बैठा हुआ सहमी आंखों से इस कंकाल को देख रहा था और माता की गोद में चिपटा जाता था। आखिर उसने कातर स्वर में कहा, यह तुम्हारी क्या दशा है, बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। आदित्य ने उसकी चिंता को शांत करने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, अरे कुछ नहीं, जरा दुबला हो गया हूँ, तुम्हारे हाथों का भोजन पाकर फिर स्वस्थ हो जाऊंगा। करुणा, छी, सूख कर कांटा हो गए, क्या वहां भरपेट भोजन नहीं मिलता था? तुम कहते थे राजनैतिक आदमियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता है, और वह तुम्हारे साथी क्या हो गए जो तुम्हें आठों पहर घेरे रहते थे और तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार रहते थे? आदित्य की त्योरियों पर बल पड़ गए, बोले, यह बड़ा ही कटु अनुभव है करुणा। मुझे ना मालूम था कि मेरे कैद होते ही लोग मेरी ओर से यूं आंखें फेर लेंगे, कोई बात भी ना पूछेगा। राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार है, यह मुझे ना मालूम था। जनता अपने सेवकों को बहुत जल्द भूल जाती है, यह तो मैं जानता था, लेकिन अपने सहयोगी और सहायक इतने बेवफा होते हैं, इसका मुझे यह पहला ही अनुभव हुआ। लेकिन मुझे किसी से शिकायत नहीं, सेवा स्वयं अपना पुरस्कार है। मेरी भूल थी कि मैं इसके लिए यश और नाम चाहता था। करुणा, तो क्या वहां भोजन भी ना मिलता था? आदित्य, यह ना पूछो करुणा, बड़ी करुण कथा है, बस यही गनीमत समझो कि जीता लौट आया, तुम्हारे दर्शन बदे थे। नहीं, कष्ट तो ऐसे ऐसे उठाए हैं कि अब तक मुझे प्रस्थान कर जाना चाहिए था। मैं जरा लेटूंगा, खड़ा नहीं रहा जाता, दिन भर में इतनी दूर आया हूं। करुणा, चलकर कुछ खा लो तो आराम से लेटो। बालक को गोद में उठाकर, बाबूजी हैं बेटा, तुम्हारे बाबूजी, इनकी गोद में जाओ, तुम्हें प्यार करेंगे। आदित्य ने आंसू भरी आंखों से बालक को देखा और उनका एक एक रोम उनका तिरस्कार करने लगा। अपनी जीर्ण दशा पर उन्हें कभी इतना दुख ना हुआ था। ईश्वर की असीम दया से यदि उनकी दशा संभल जाती तो वह फिर कभी राष्ट्रीय आंदोलन के समीप ना जाते। इस फूल से बच्चे को यूं संसार में लाकर दरिद्रता की आग में झोंकने का उन्हें क्या अधिकार था? वह अब लक्ष्मी की उपासना करेंगे और अपना क्षुद्र जीवन बच्चे के लालन पालन के लिए अर्पित कर देंगे। उन्हें इस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि बालक उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है, मानो कह रहा है, मेरे साथ आपने कौन सा कर्तव्य पालन किया? उनकी सारी कामना, सारा प्यार बालक को हृदय से लगा देने के लिए अधीर हो उठा, पर हाथ फैल ना सके, हाथों में शक्ति ही ना थी। करुणा बालक को लिए हुए उठी और थाली में कुछ भोजन निकाल कर लाई। आदित्य ने क्षुधापूर्ण नेत्रों से थाली की ओर देखा, मानो आज बहुत दिनों के बाद कोई खाने की चीज़ सामने आई है। जानता था कि कई दिनों के उपवास के बाद और आरोग्य की इस गई गुजरी दशा में उसे जवान को काबू में रखना चाहिए, पर सब्र ना कर सका। थाली पर टूट पड़ा और देखते देखते थाली साफ कर दी। करुणा शशंक हो गई, उसने दोबारा किसी चीज़ के लिए ना पूछा, थाली उठाकर चली गई। पर उसका दिल कह रहा था, इतना तो कभी ना खाते थे। करुणा बच्चे को कुछ खिला रही थी कि एकाएक कानों में आवाज़ आई, करुणा। करुणा ने आकर पूछा, क्या तुमने मुझे पुकारा है? आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया था और सांस जोर जोर से चल रही थी, हाथों के सहारे वही टाट पर लेट गए थे। करुणा उनकी यह हालत देखकर घबरा गई, बोली, जाकर किसी वैद्य को बुला लाऊं? आदित्य ने हाथ के इशारे से उसे मना करके कहा,
व्यर्थ है करुणा, अब तुमसे छिपाना व्यर्थ है। मुझे तपेदिक हो गया है, कई बार मरते मरते बच गया हूँ। तुम लोगों के दर्शन बदे थे इसलिए प्राण ना निकलते थे। देखो प्रिय, रो मत, करुणा ने सिसकियों को दबाते हुए कहा। मैं वैद्य को लेकर अभी आती हूँ। आदित्य ने फिर सिर हिलाया। नहीं करुणा, केवल मेरे पास बैठी रहो, अब किसी से कोई आशा नहीं है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मुझे तो यह आश्चर्य है कि यहाँ पहुँच कैसे गया, ना जाने कौन दैवी शक्ति मुझे वहाँ से खींच लाई। कदाचित यह इस बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक थी। आह, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। मैं तुम्हें कोई आराम ना दे सका, तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, केवल सुहाग का दाग लगाकर और एक बालक के पालन का भार छोड़कर चला जा रहा हूँ। आह, करुणा ने हृदय को दृढ़ करके कहा, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं है? आग बना लाऊं, कुछ बताते क्यों नहीं? आदित्य ने करवट बदल कर कहा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं प्रिय, कहीं दर्द नहीं, बस ऐसा मालूम हो रहा है कि दिल बैठा जाता है, जैसे पानी में डूबा जाता हूँ। जीवन की लीला समाप्त हो रही है, दीपक को बुझते हुए देख रहा हूँ। कह नहीं सकता कब आवाज़ बंद हो जाए, जो कुछ कहना है वह कह डालना चाहता हूँ। क्यों वह लालसा ले जाऊँ, मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगी, पूछूं? करुणा के मन की सारी दुर्बलता, सारा शोक, सारी वेदना मानो लुप्त हो गई और उनकी जगह उस आत्मबल का उदय हुआ जो मृत्यु पर हंसता है और विपत्ति के सांपों से खेलता है। रत्न जटित मखमली मयान में जैसे तेज तलवार छिपी रहती है, जल के कोमल प्रवाह में जैसे असीम शक्ति छिपी रहती है, वैसे ही रमणी का कोमल हृदय साहस और धैर्य को अपनी गोद में छिपाए रहता है। क्रोध जैसे तलवार को बाहर खींच लेता है, विज्ञान जैसे जल शक्ति का उद्घाटन कर लेता है, वैसे ही प्रेम रमणी के साहस और धैर्य को प्रदीप्त कर देता है। करुणा ने पति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पूछते क्यों नहीं प्यारे? आदित्य ने करुणा के हाथों के कोमल स्पर्श का अनुभव करते हुए कहा, तुम्हारे विचार में मेरा जीवन कैसा था? बधाई के योग्य? देखो, तुमने मुझसे कभी पर्दा नहीं रखा, इस समय भी स्पष्ट कहना, तुम्हारे विचार में मुझे अपने जीवन पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए? करुणा ने उल्लास के साथ कहा, यह प्रश्न क्यों करते हो प्रियतम? क्या मैंने तुम्हारी उपेक्षा कभी की है? तुम्हारा जीवन देवताओं का सा जीवन था, निःस्वार्थ, निर्लिप्त और आदर्श। विघ्न बाधाओं से तंग आकर मैंने तुम्हें कितनी ही बार संसार की ओर खींचने की चेष्टा की है, पर उस समय भी मैं मन में जानती थी कि मैं तुम्हें ऊंचे आसन से गिरा रही हूँ। अगर तुम माया मोह में फंसे होते तो कदाचित मेरे मन को अधिक संतोष होता, लेकिन मेरी आत्मा को वह गर्व और उल्लास ना होता जो इस समय हो रहा है। मैं अगर किसी को बड़े से बड़ा आशीर्वाद दे सकती हूँ तो वह यही होगा कि उसका जीवन तुम्हारे जैसा हो। यह कहते कहते करुणा का आभाहीन मुखमंडल ज्योतिर्मय हो गया, मानो उसकी आत्मा दिव्य हो गई हो। आदित्य ने सर्वज्ञ नेत्रों से करुणा को देखकर कहा, बस अब मुझे संतोष हो गया। करुणा, इस बच्चे की ओर से मुझे कोई शंका नहीं है, मैं उसे इससे अधिक कुशल हाथों में नहीं छोड़ सकता। मुझे विश्वास है कि जीवन भर यह ऊंचा और पवित्र आदर्श सदैव तुम्हारे सामने रहेगा। अब मैं मरने को तैयार हूँ। 7 वर्ष बीत गए। बालक प्रकाश अब 10 साल का रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्नमुख कुमार था। बल का तेज, साहसी और मनस्वी, भय तो उसे छू भी नहीं गया था। करुणा का संतृप्त हृदय उसे देखकर शीतल हो जाता। संसार करुणा को
अभागनी और दीन समझे। वह कभी भाग्य का रोना नहीं रोती। उसने उन आभूषणों को बेच डाला जो पति के जीवन में उसे प्राणों से प्रिय थे, और उस धन से कुछ गायें और भैंसे मोल ले ली। वह कृषक की बेटी थी और गोपालन उसके लिए कोई नया व्यवसाय न था। इसी को उसने अपनी जीविका का साधन बनाया। विशुद्ध दूध कहाँ मयस्सर होता है, सब दूध हाथों हाथ बिक जाता। करुणा को पहर रात से पहर रात तक काम में लगा रहना पड़ता, पर वह प्रसन्न थी। उसके मुख पर निराशा या दीनता की छाया नहीं, संकल्प और साहस का तेज है। उसके एक एक अंग से आत्मगौरव की ज्योति से निकल रही है। आँखों में एक दिव्य प्रकाश है, गंभीर, अथाह और असीम। सारी वेदनाएं, वैधव्य का शोक और विधि का निर्मम प्रहार, सब उस प्रकाश की गहराई में विलीन हो गया है। प्रकाश पर वह जान देती है। उसका आनंद, उसकी अभिलाषा, उसका संसार, उसका स्वर्ग, सब प्रकाश पर न्योछावर है। पर यह मजाल नहीं कि प्रकाश कोई शरारत करे और करुणा आंखें बंद कर ले। नहीं, वह उसके चरित्र की बड़ी कठोरता से देखभाल करती है। वह प्रकाश की माँ नहीं, माँ बाप दोनों हैं। उसके पुत्र स्नेह में, माता की ममता के साथ पिता की कठोरता भी मिली हुई है। पति के अंतिम शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे हैं। वह आत्मोल्लास जो उनके चेहरे पर झलकने लगा था, वह गर्वमय लाली जो उनकी आँखों में छा गई थी, अभी तक उसकी आँखों में फिर रही है। निरंतर पति चिंतन ने आदित्य को उसकी आँखों में प्रत्यक्ष कर दिया है। वह सदैव उनकी उपस्थिति का अनुभव किया करती है। उसे ऐसा जान पड़ता है कि आदित्य की आत्मा सदैव उसकी रक्षा करती रहती है। उसकी यही हार्दिक अभिलाषा है कि प्रकाश जवान होकर पिता का पथगामी हो। संध्या हो गई थी। एक भिखारिन द्वार पर आकर भीख मांगने लगी। करुणा उस समय गौओं को पानी दे रही थी। प्रकाश बाहर खेल रहा था। बालक ही तो ठहरा, शरारत सूझी, घर में गया और कटोरे में थोड़ा सा भूसा लेकर बाहर निकला। भिखारिन ने अपकी झोली फैला दी। प्रकाश ने भूसा उसकी झोली में डाल दिया और जोर जोर से तालियां बजाता हुआ भागा। भिखारिन ने अग्निमय नेत्रों से देखकर कहा, वाह रे लाडले, मुझसे हंसी करने चला है, यही माँ बाप ने सिखाया है, तब तो खूब कुल का नाम जगाओगे। करुणा उसकी बोली सुनकर बाहर निकल आई और पूछा, क्या है माता, किसे कह रही हो? भिखारिन ने प्रकाश की तरफ इशारा करके कहा, वह तुम्हारा लड़का है ना, देखो कटोरे में भूसा भरकर मेरी झोली में डाल गया है। चुटकी भर आटा था, वह भी मिट्टी में मिल गया। कोई इस तरह दुखियों को सताता है? सबके दिन एक से नहीं रहते, आदमी को घमंड न करना चाहिए। करुणा ने कठोर स्वर में पुकारा, प्रकाश। प्रकाश लज्जित ना हुआ, अभिमान से सिर उठाए हुए आया और बोला, वह हमारे घर भीख क्यों मांगने आई है, कुछ काम क्यों नहीं करती? करुणा ने उसे समझाने की चेष्टा करके कहा, शर्म नहीं आती, उल्टे और आंख दिखाते हो? प्रकाश, शर्म क्यों आए, यह क्यों रोज भीख मांगने आती हैं? हमारे यहाँ क्या कोई चीज़ मुफ्त आती है? करुणा, तुम्हें कुछ ना देना था तो सीधे से कह देते, जाओ, तुमने यह शरारत क्यों की? प्रकाश, उनकी आदत कैसे छूटती? करुणा ने बिगड़ कर कहा, तुम अब पिटोगे मेरे हाथों। प्रकाश, पिटूंगा क्यों, आप जबरदस्ती पीटेंगी? दूसरे मुल्कों में अगर कोई भीख मांगे तो कैद कर लिया जाए, यह नहीं कि उल्टे भिखमंगों को और शह दी जाए। करुणा, जो अपंग हैं वह कैसे काम करें? प्रकाश, तो जाकर डूब मरें, जिंदा क्यों रहती हैं? करुणा निरुत्तर हो गई। बुढ़िया को तो उसने आटा दाल देकर विदा किया, किंतु प्रकाश का कुतर्क उसके हृदय में फोड़े के समान तीसता रहा। उसने यह धृष्टता, यह अविनय कहाँ सीखी? रात को भी उसे बार बार यही ख्याल सताता रहा।
आधी रात के समीप एकाएक प्रकाश की नींद टूटी। लालटेन जल रही है और करुणा बैठी रो रही है। उठ बैठा और बोला, अम्मा अभी तुम सोई नहीं? करुणा ने मुंह फेर कर कहा, नींद नहीं आई। तुम कैसे जग गए, प्यास तो नहीं लगी है? प्रकाश, नहीं अम्मा, ना जाने क्यों आँख खुल गई, मुझसे आज बड़ा अपराध हुआ अम्मा। करुणा ने उसके मुख की ओर स्नेह के नेत्रों से देखा। प्रकाश, मैंने आज बुढ़िया के साथ बड़ी नटखट की, मुझे क्षमा करो, फिर कभी ऐसी शरारत ना करूँगा, यह कहकर रोने लगा। करुणा ने स्नेहाद्र होकर उसे गले लगा लिया और उसके कपोलों का चुंबन करके बोली, बेटा मुझे खुश करने के लिए यह कह रहे हो या तुम्हें मन में सचमुच पछतावा हो रहा है? प्रकाश ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा, मुझे दिल से अफसोस हो रहा है। अब की वह बुढ़िया आएगी तो मैं उसे बहुत से पैसे दूंगा। करुणा का हृदय मतवाला हो गया। ऐसा जान पड़ा आदित्य सामने खड़े बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, करुणा क्षोभ मत कर, प्रकाश अपने पिता का नाम रोशन करेगा, तेरी संपूर्ण कामना पूरी हो जाएगी। लेकिन प्रकाश के कर्म और वचन में मेल ना था और दिनों के साथ उसके चरित्र का अंग प्रत्यक्ष होता जाता था। जहीन था ही, विश्वविद्यालय से उसे वजीफे मिलते थे, करुणा भी उसकी यथेष्ट सहायता करती थी, फिर भी उसका खर्च पूरा ना पड़ता था। वह मितव्ययता और सरल जीवन पर विद्वत्ता से भरे हुए व्याख्यान दे सकता था, पर उसका रहन सहन फैशन के अंधभक्तों से जौ भर घट करना था। प्रदर्शन की धुन उसे हमेशा सवार रहती थी, उसके मन और बुद्धि में निरंतर द्वंद्व होता रहता था। मन जाति की ओर था, बुद्धि अपनी ओर, बुद्धि मन को दबाए रहती थी, उसके सामने मन की एक ना चलती थी। जाति सेवा ऊसर की खेती है, वहाँ बड़े से बड़ा उपहार जो मिल सकता है वह है गौरव और यश, पर वह भी स्थायी नहीं, इतना स्थिर कि क्षण में जीवन भर की कमाई पर पानी फिर सकता है। अतएव उसका अंतःकरण अनिवार्य वेग के साथ विलासमय जीवन की ओर झुकता था, यहाँ तक कि धीरे धीरे उसे त्याग और निग्रह से घृणा होने लगी। वह दुर्वस्था और दरिद्रता को हेय समझता था, उसके हृदय ना था, भाव ना थे, केवल मस्तिष्क था। मस्तिष्क में दर्द कहाँ, वहाँ तो तर्क है, मंसूबे हैं। सिंध में बाढ़ आई, हजारों आदमी तबाह हो गए, विद्यालय ने वहाँ एक सेवा समिति भेजी। प्रकाश के मन में द्वंद्व होने लगा, जाऊँ या ना जाऊँ, इतने दिनों अगर वह परीक्षा की तैयारी करे तो प्रथम श्रेणी में पास हो। चलते समय उसने बीमारी का बहाना कर दिया। करुणा ने लिखा, तुम सिंध ना गए, इसका मुझे दुख है, तुम बीमार रहते हुए भी वहाँ जा सकते थे, समिति में चिकित्सक भी तो थे। प्रकाश ने पत्र का उत्तर ना दिया। उड़ीसा में अकाल पड़ा, प्रजा मक्खियों की तरह मरने लगी। कांग्रेस ने पीड़ितों के लिए एक मिशन तैयार किया। उन्हीं दिनों विद्यालयों ने इतिहास के छात्रों को ऐतिहासिक खोज के लिए लंका भेजने का निश्चय किया। करुणा ने प्रकाश को लिखा, तुम उड़ीसा जाओ, किंतु प्रकाश लंका जाने को लालायित था। वह कई दिन इसी दुविधा में रहा। अंत को सिलोन ने उड़ीसा पर विजय पाई। करुणा ने अब की उसे कुछ न लिखा, चुपचाप रोती रही। सिलोन से लौटकर प्रकाश छुट्टियों में घर गया। करुणा उससे खिंची खिंची रही। प्रकाश मन में लज्जित हुआ और संकल्प किया कि अब की कोई अवसर आया तो अम्मा को अवश्य प्रसन्न करूंगा। यह निश्चय करके वह विद्यालय लौटा, लेकिन यहाँ आते ही फिर परीक्षा की फिक्र सवार हो गई। यहाँ तक कि परीक्षा के दिन आ गए, मगर इम्तिहान से फुर्सत पाकर भी प्रकाश घर ना गया। विद्यालय के एक अध्यापक कश्मीर सैर करने जा रहे थे, प्रकाश उन्हीं के साथ कश्मीर चल खड़ा हुआ। जब परीक्षा फल निकला और प्रकाश प्रथम आया,
तब उसे घर की याद आई। उसने तुरंत करुणा को पत्र लिखा और अपने आने की सूचना दी। माता को प्रसन्न करने के लिए उसने 2-4 शब्द जाति सेवा के विषय में भी लिखे। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ। मैंने शिक्षा संबंधी कार्य करने का निश्चय किया है। इसी विचार से मैंने वह विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। हमारे नेता भी तो विद्यालयों के आचार्यों का ही सम्मान करते हैं। अभी वक इन उपाधियों के मोह से वे मुक्त नहीं हुए हैं। हमारे नेता भी योग्यता, सदुत्साह, लगन का उतना सम्मान नहीं करते जितना उपाधियों का। अब मेरी इज्जत करेंगे और जिम्मेदारी का काम सौंपेंगे जो पहले मांगे भी ना मिलता। करुणा की आस फिर बंधी। विद्यालय खुलते ही प्रकाश के नाम रजिस्ट्रार का पत्र पहुंचा। उन्होंने प्रकाश का इंग्लैंड जाकर विद्याभ्यास करने के लिए सरकारी वजीफे की मंजूरी की सूचना दी थी। प्रकाश पत्र हाथ में लिए हर्ष के उन्माद में जाकर माँ से बोला, अम्मा मुझे इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल गया। करुणा ने उदासीन भाव से पूछा, तो तुम्हारा क्या इरादा है? प्रकाश, मेरा इरादा? ऐसा अवसर पाकर भला कौन छोड़ता है? करुणा, तुम तो स्वयं सेवकों में भर्ती होने जा रहे थे। प्रकाश, तो आप समझती हैं स्वयं सेवक बन जाना ही जाति सेवा है। मैं इंग्लैंड से आकर भी तो सेवा कार्य कर सकता हूँ। और अम्मा, सच पूछो तो एक मजिस्ट्रेट अपने देश का जितना उपकार कर सकता है उतना 1000 स्वयं सेवक मिलकर भी नहीं कर सकते। मैं तो सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठूंगा और मुझे विश्वास है कि सफल हो जाऊंगा। करुणा ने चकित होकर पूछा, तो क्या तुम मजिस्ट्रेट हो जाओगे? प्रकाश, सेवा भाव रखने वाला एक मजिस्ट्रेट कांग्रेस के 1000 सभापतियों से ज्यादा उपकार कर सकता है। अखबारों में उसकी लंबी लंबी तारीफें ना छपेंगी, उसकी वक्तृताओं पर तालियां ना बजेंगी, जनता उसके जुलूस की गाड़ी ना खींचेगी और ना विद्यालयों के छात्र उसको अभिनंदन पत्र देंगे। पर सच्ची सेवा मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। करुणा ने आपत्ति के भाव से कहा, लेकिन यही मजिस्ट्रेट तो जाति के सेवकों को सजाए देते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। प्रकाश, अगर मजिस्ट्रेट के हृदय में परोपकार का भाव है तो वह नरमी से वही काम करता है जो दूसरे गोलियां चलाकर भी नहीं कर सकते। करुणा, मैं यह नहीं मानूंगी। सरकार अपने नौकरों को इतनी स्वाधीनता नहीं देती, वह एक नीति बना देती है और हर एक सरकारी नौकर को उसका पालन करना पड़ता है। सरकार की पहली नीति यह है कि वह दिन दिन अधिक संगठित और दृढ़ हो। इसके लिए स्वाधीनता के भावों का दमन करना जरूरी है। अगर कोई मजिस्ट्रेट इस नीति के विरुद्ध काम करता है तो वह मजिस्ट्रेट ना रहेगा। वह हिंदुस्तानी था जिसने तुम्हारे बाबूजी को जरा सी बात पर 3 साल की सजा दे दी। इसी सजा ने उनके प्राण ले लिए बेटा। मेरी इतनी बात मानो, सरकारी पदों पर ना गिरो। मुझे यह मंजूर है कि तुम मोटा खाकर और मोटा पहनकर देश की कुछ सेवा करो, इसके बदले कि तुम हाकिम बन जाओ और शान से जीवन बिताओ। यह समझ लो कि जिस दिन तुम हाकिम की कुर्सी पर बैठोगे उस दिन से तुम्हारा दिमाग हाकिमों का सा हो जाएगा। तुम यही चाहोगे कि अफसरों में तुम्हारी नेक नामी और तरक्की हो। एक गंवारू मिसाल लो। लड़की जब तक मैके में कुंवारी रहती है वह अपने को उसी घर की समझती है, लेकिन जिस दिन ससुराल चली जाती है वह अपने घर को दूसरों का घर समझने लगती है। माँ बाप भाई बंद सब वही रहते हैं, लेकिन वह घर अपना नहीं रहता। यही दुनिया का दस्तूर है। प्रकाश ने खींच कर कहा, तो क्या आप यही चाहती हैं कि मैं जिंदगी भर चारों तरफ ठोकरें खाता फिरूं? करुणा कठोर नेत्रों से देखकर बोली, अगर ठोकर खाकर आत्मा स्वाधीन रह सकती है तो मैं कहूंगी ठोकर खाना अच्छा है। प्रकाश ने निश्चयात्मक भाव से पूछा, तो आपकी यही इच्छा है? करुणा ने उसी स्वर में उत्तर दिया, हाँ मेरी यही इच्छा है। प्रकाश ने कुछ जवाब ना दिया, उठकर बाहर चला गया और तुरंत रजिस्ट्रार को इनकारी पत्र लिख भेजा।
मगर उसी क्षण से मानो उसके सिर पर विपत्ति ने आसन जमा लिया। विरक्त और विमन अपने कमरे में पड़ा रहता, ना कहीं घूमने जाता, ना किसी से मिलता, मुंह लटकाए भीतर आता और फिर बाहर चला जाता। यहाँ तक कि महीना गुजर गया, ना चेहरे पर वह लाली रही, ना वह ओझ। आंखें अनाथों के मुख की भांति याचना से भरी हुई, ओठ हंसना भूल गए, मानो उन इनकारी पत्रों के साथ उसकी सारी सजीवता और चपलता, सारी सरलता विदा हो गई। करुणा उसके मनोभाव समझती थी और उसके शोक को भुलाने की चेष्टा करती थी, पर रूठे देवता प्रसन्न ना होते थे। आखिर एक दिन उसने प्रकाश से कहा, बेटा अगर तुमने विलायत जाने की ठान ही ली है तो चले जाओ, मना ना करूंगी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें रोका, अगर मैं जानती कि तुम्हें इतना आघात पहुंचेगा तो कभी ना रोकती। मैंने तो केवल इस विचार से रोका था कि तुम्हें जाति सेवा में मग्न देखकर तुम्हारे बाबूजी की आत्मा प्रसन्न होगी, उन्होंने चलते समय यही वसीयत की थी। प्रकाश ने रुखाई से जवाब दिया, अब क्या जाऊंगा, इनकारी खत लिख चुका हूं, मेरे लिए कोई अब तक बैठा थोड़े ही होगा, कोई दूसरा लड़का चुन लिया होगा, और फिर करना ही क्या है। जब आपकी मर्जी है कि गांव-गांव की खाक छानता फिरूं तो वही सही। करुणा का गर्व चूर चूर हो गया। इस अनुमति से उसने बाधा का काम लेना चाहा था, पर सफल ना हुई। बोली, अभी कोई ना चुना गया होगा, लिख दो, मैं जाने को तैयार हूं। प्रकाश ने झुंझला कर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, लोग हंसी उड़ाएंगे। मैंने तय कर लिया है कि जीवन को आपकी इच्छा के अनुकूल बनाऊंगा। करुणा, तुमने अगर शुद्ध मन से यह इरादा किया होता तो यो ना रहते, तुम मुझसे सत्याग्रह कर रहे हो। अगर मन को दबाकर, मुझे अपनी राह का कांटा समझकर तुमने मेरी इच्छा पूरी भी की तो क्या। मैं तो जब जानती कि तुम्हारे मन में आप ही आप सेवा का भाव उत्पन्न होता। तुम आप ही रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिख दो। प्रकाश, अब मैं नहीं लिख सकता, तो इसी शोक में तने बैठे रहोगे, लाचारी है। करुणा ने और कुछ ना कहा। जरा देर में प्रकाश ने देखा कि वह कहीं जा रही है, मगर वह कुछ बोला नहीं। करुणा के लिए बाहर आना जाना कोई असाधारण बात ना थी, लेकिन जब संध्या हो गई और करुणा ना आई तो प्रकाश को चिंता होने लगी। अम्मा कहाँ गई, यह प्रश्न बार बार उसके मन में उठने लगा। प्रकाश सारी रात द्वार पर बैठा रहा, भांति भांति की शंकाएं मन में उठने लगी। उसे अब याद आया, चलते समय करुणा कितनी उदास थी, उसकी आंखें कितनी लाल थीं। यह बातें प्रकाश को उस समय क्यों ना नजर आईं, वह क्यों स्वार्थ में अंधा हो गया था। हाँ, अब प्रकाश को याद आया, माता ने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, उनके हाथ में छतरी भी थी, तो क्या वह कहीं बहुत दूर गई हैं, किससे पूछे। अनिष्ट के भय से प्रकाश रोने लगा। श्रावण की अंधेरी भयानक रात थी, आकाश में श्याम मेघमालाएं भीषण स्वप्न की भांति छाई हुई थी। प्रकाश रह रहकर आकाश की ओर देखता था, मानो करुणा उन्हीं मेघमालाओं में छिपी बैठी है। उसने निश्चय किया, सवेरा होते ही माँ को खोजने चलूंगा, और अगर किसी ने द्वार खटखटाया। प्रकाश ने दौड़ कर खोला तो देखा करुणा खड़ी है। उसका मुखमंडल इतना खोया हुआ, इतना करुण था जैसे आज ही उसका सुहाग उठ गया है, जैसे संसार में अब उसके लिए कुछ नहीं रहा, जैसे वह नदी के किनारे खड़ी अपनी लदी हुई नाव को डूबते देख रही है और कुछ कर नहीं सकती। प्रकाश ने अधीर होकर पूछा, अम्मा कहाँ चली गई थी, बहुत देर लगाई। करुणा ने भूमि की ओर ताकते हुए जवाब दिया, एक काम से गई थी, देर हो गई। यह कहते हुए उसने प्रकाश के सामने एक बंद लिफाफा फेंक दिया। प्रकाश ने उत्सुक होकर लिफाफा उठा लिया, ऊपर ही विद्यालय की मुहर थी। तुरंत ही लिफाफा खोलकर पढ़ा,
हल्की सी लालिमा चेहरे पर दौड़ गई। पूछा, यह तुम्हें कहाँ से मिल गया अम्मा? करुणा, तुम्हारे रजिस्ट्रार के पास से लाई हूँ। क्या तुम वहाँ चली गई थी? और क्या करती, कल तो गाड़ी का समय ना था, मोटर ले ली थी। प्रकाश एक क्षण तक मौन खड़ा रहा, फिर कुंठित स्वर में बोला, जब तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मुझे क्यों भेज रही हो? करुणा ने विरक्त भाव से कहा, इसलिए कि तुम्हारे जाने की इच्छा है। तुम्हारा यह मलिन वेश नहीं देखा जाता। अपने जीवन के 20 वर्ष तुम्हारी हितकामना पर अर्पित कर दिए, अब तुम्हारी महत्वाकांक्षा की हत्या नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा सफल हो, यही हमारी हार्दिक अभिलाषा है। करुणा का कंठ रुंध गया और कुछ ना कह सकी। प्रकाश उसी दिन से यात्रा की तैयारियां करने लगा। करुणा के पास जो कुछ था वह सब खर्च हो गया। कुछ ऋण भी लेना पड़ा, नए सूट बने, सूट केस लिए गए। प्रकाश अपनी धुन में मस्त था, कभी किसी चीज़ की फरमाइश लेकर आता, कभी किसी चीज़ की। करुणा इस एक सप्ताह में इतनी दुर्बल हो गई है, उसके बालों पर कितनी सफ़ेदी आ गई हैं, चेहरे पर कितनी झुर्रियाँ पड़ गई हैं, यह उसे कुछ ना नज़र आता। उसकी आँखों में इंग्लैंड के दृश्य समाये हुए थे। महत्वाकांक्षा आँखों पर पर्दा डाल देती है। प्रस्थान का दिन आया। आज कई दिनों के बाद धूप निकली थी। करुणा स्वामी के पुराने कपड़ों को बाहर निकाल रही थी। उनकी गाढ़े की चादरें, खद्दर के कुर्ते, पजामे और लिहाफ अभी तक संदूक में संचित थे। प्रतिवर्ष वे धूप में सुखाए जाते और झाड़ पोंछ कर रख दिए जाते थे। करुणा ने आज फिर उन कपड़ों को निकाला, मगर सुखा कर रखने के लिए नहीं, गरीबों में बांट देने के लिए। वह आज पति से नाराज है। वह लुटिया, डोर और घड़ी जो आदित्य की चिर संगिनी थी और जिनकी 20 वर्ष से करुणा ने उपासना की थी, आज निकालकर आंगन में फेंक दी गई। वह झोली जो बरसों आदित्य के कंधों पर आरूण रह चुकी थी, आप कूड़े में डाल दी गई। वह चित्र जिसके सामने 20 वर्ष से करुणा सर झुकाती थी, आज वही निर्दयता से भूमि पर डाल दिया गया। पति का कोई स्मृति चिन्ह वह अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। उसका अंतःकरण शोक और निराशा से विदीर्ण हो गया है, और पति के सिवा वह किस पर क्रोध उतारे? कौन उसका अपना है? वह किससे अपनी व्यथा कहे, किसे अपनी छाती चीर कर दिखाए? वह होते तो क्या आप प्रकाश दास्ता की जंजीर गले में डालकर फूला न समाता? उसे कौन समझाए कि आदित्य भी इस अवसर पर पछताने के सिवा कुछ न कर सकते? प्रकाश के मित्रों ने आज उसे विदाई का भोज दिया था। वहां से वह संध्या समय कई मित्रों के साथ मोटर पर लौटा। सफर का सामान मोटर पर रख दिया गया। तब वह अंदर आकर माँ से बोला, अम्मा जाता हूँ, बंबई पहुँचकर पत्र लिखूँगा। तुम्हें मेरी कसम, रोना मत और मेरे खतों का जवाब बराबर देना। जैसे किसी लाश को बाहर निकालते समय संबंधियों का धैर्य टूट जाता है, रुके हुए आंसू निकल पड़ते हैं और शोक की तरंगें उठने लगती हैं, वही दशा करुणा की हुई। कलेजे में एक हाहाकार हुआ जिसने उसकी दुर्बल आत्मा के एक एक अणु को कपा दिया। मालूम हुआ पांव पानी में फिसल गया है और वह लहरों में बही जा रही है। उसके मुख से शोक या आशीर्वाद का एक शब्द भी ना निकला। प्रकाश ने उसके चरण छुए, अश्रु जल से माता के चरणों को पखारा, फिर बाहर चला। करुणा पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी थी। सहसा ग्वाले ने आकर कहा, बहूजी, भैया चले गए, बहुत रोते थे। तब करुणा की समाधि टूटी। देखा, सामने कोई नहीं है। घर में मृत्यु का सा सन्नाटा छाया हुआ है और मानो हृदय की गति बंद हो गई है। सहसा करुणा की दृष्टि ऊपर उठ गई। उसने देखा कि आदित्य अपनी गोद में प्रकाश की निर्जीव देह लिए खड़े हो गए हैं। करुणा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। करुणा जीवित थी,
पर संसार से उसका कोई नाता ना था। उसका छोटा सा संसार जिसे उसने अपनी कल्पनाओं के हृदय में रचा था, स्वप्न की भांति अनंत में विलीन हो गया था। जिस प्रकाश को सामने देखकर वह जीवन की अंधेरी रात में भी हृदय में आशाओं की संपत्ति लिए जी रही थी, वह बुझ गया और संपत्ति लुट गई। अब ना कोई आश्रय था और ना उसकी ज़रूरत। जिन गऊओं को वह दोनों वक्त अपने हाथों से दाना चारा देती और सहलाती थी, वे अब खूंटे पर बंधी निराश नेत्रों से द्वार की ओर ताकती रहती थीं। बछड़ों को गले लगाकर पुचकारने वाला अब कोई ना था जिसके लिए दूध दुहे, मट्ठा निकाले, खाने वाला कौन था। करुणा ने अपने छोटे से संसार को अपने ही अंदर समेट लिया था, किंतु एक ही सप्ताह में करुणा के जीवन ने फिर रंग बदला। उसका छोटा सा संसार फैलते फैलते विश्वव्यापी हो गया। जिस लंगर ने नौका को तट से एक केंद्र पर बांध रखा था, वह उखड़ गया। अब नौका सागर के अशेष विस्तार में भ्रमण करेगी, चाहे वह उद्याम तरंगों के वक्ष में ही क्यों ना विलीन हो जाए। करुणा द्वार पर आ बैठती और मोहल्ले भर के लड़कों को जमा करके दूध पिलाती। दोपहर तक मक्खन निकालती और वह मक्खन मोहल्ले के लड़के खाते, फिर भांति भांति के पकवान बनाती और कुत्तों को खिलाती। अब यही उसका नित्य का नियम हो गया। चिड़ियाँ, कुत्ते, बिल्लियाँ, चींटे, चींटियाँ सब अपने हो गए। प्रेम का वह द्वार अब किसी के लिए बंद ना था। उस अंगुल भर जगह में जो प्रकाश के लिए भी काफ़ी ना थी, अब समस्त संसार समा गया था। एक दिन प्रकाश का पत्र आया। करुणा ने उसे उठाकर फेंक दिया, फिर थोड़ी देर के बाद उसे उठाकर फाड़ डाला और चिड़ियों को दाना चुगाने लगी। मगर जब निशा योगिनी ने अपनी धूनी जलाई और वेदनाएं उससे वरदान मांगने के लिए विकल हो होकर चली, तो करुणा की मनोवेदना भी सजग हो उठी। प्रकाश का पत्र पढ़ने के लिए उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, प्रकाश मेरा कौन है, मेरा उससे क्या प्रयोजन। हाँ, प्रकाश मेरा कौन है, हाँ, प्रकाश मेरा कौन है। हृदय ने उत्तर दिया, प्रकाश तेरा सर्वस्व है। वह तेरे उस अमर प्रेम की निशानी है जिससे तू सदैव के लिए वंचित हो गई। वह तेरे प्राण है, तेरे जीवन दीपक का प्रकाश, तेरी वंचित कामनाओं का माधुर्य, तेरे अश्रुजल में विहार करने वाला हंस। करुणा उस पत्र के टुकड़ों को जमा करने लगी, माना उसके प्राण बिखर गए हों। एक एक टुकड़ा उसे अपने खोए हुए प्रेम का एक पद चिन्ह सा मालूम होता था। जब सारे पुर्जे जमा हो गए, तो करुणा दीपक के सामने बैठकर उसे जोड़ने लगी, जैसे कोई वियोगी हृदय प्रेम के टूटे हुए तारों को जोड़ रहा हो। हाय री ममता, वह भागिन सारी रात उन पुर्जों को जोड़ने में लगी रही। पत्र दोनों ओर लिखा था, इसलिए पुर्जों को ठीक स्थान पर रखना और भी कठिन था। कोई शब्द, कोई वाक्य बीच में गायब हो जाता। उस एक टुकड़े को वह फिर खोजने लगती। सारी रात बीत गई, पर पत्र अभी तक अपूर्ण था। दिन चढ़ाया, मोहल्ले के लौंडे मक्खन और दूध की चाह में एकत्र हो गए। कुत्तों और बिल्लियों का आगमन हुआ। चिड़िया आ आकर आंगन में फुदकने लगी, कोई ओखली पर बैठी, कोई तुलसी के चौरे पर करुणा को सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं। दोपहर हुआ, करुणा ने सिर ना उठाया, ना भूख थी ना प्यास। फिर संध्या हो गई, पर वह पत्र अभी तक अधूरा था। पत्र का आशय समझ में आ रहा था, प्रकाश का जहाज कहीं से कहीं जा रहा है, उसके हृदय में कुछ उठा हुआ है। क्या उठा हुआ है, यह करुणा ना सोच सकी। करुणा पुत्र की लेखनी से निकले हुए एक एक शब्द को पढ़ना और उसे हृदय पर अंकित कर लेना चाहती थी। इस भांति 3 दिन गुजर गए। संध्या हो गई थी, 3 दिन की जागी आंखें जरा झपक गईं। करुणा ने देखा, एक लंबा चौड़ा कमरा है, उसमें मेजें और कुर्सियां लगी हुई हैं।
बीच में ऊंचे मंच पर कोई आदमी बैठा हुआ है। करुणा ने ध्यान से देखा, प्रकाश था। एक क्षण में एक कैदी उसके सामने लाया गया। उसके हाथ पांव में जंजीर थी, कमर झुकी हुई। यह आदित्य थे। करुणा की आंखें खुल गई, आंसू बहने लगे। उसने पत्र के टुकड़ों को फिर समेट लिया और उसे जलाकर राख कर डाला। राख की एक चुटकी के सिवा वहाँ कुछ न रहा जो उसके हृदय में विदीर्ण किए डालती थी। इसी एक चुटकी राख में उसका गुड़ियों वाला बचपन, उसका संतृप्त यौवन और उसका तृष्णामय वैधव्य सब समा गया। प्रातःकाल लोगों ने देखा, पक्षी पिंजड़े में उड़ चुका था। आदित्य का चित्र अब भी उसके शून्य हृदय से चिपटा हुआ था। भग्न हृदय पति की स्नेह स्मृति में विश्राम कर रहा था और प्रकाश का जहाज यूरोप चला जा रहा था। आशा है कि यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। और हाँ, आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई, और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।